Hey guys, very good morning to all of you. Welcome to all aboard. कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो 16 और 17 दो दिन का करंट अफेयर्स हमारे पास हो गया है कवर करने के लिए आज. सो वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स ऑफ 16 एंड 17 ऑफ दिसंबर. आज एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा, द रीजन बींग न्यूज ऑलरेडी ज्यादा है. सो आई ट्राई टू वाइंड अप द न्यूज एज सून एज पॉसिबल बिकॉज For the next 2 days, when you guys have the examination of SBAP pre, I know that it will be difficult to keep focus on the current affairs. So, मैंने सोचा कि update करवा देता हूँ quickly आप लोगों को, but बहुत ज़्यादा time आज हम news के ऊपर spend नहीं करेंगे. चलिए, चलते हैं session में आगे. ठीक? The success when your signature changes to autograph. इस दिन आपके sign autograph बन जाए, when people will come and ask you, sir. Can I take your signature? Sir, can you give me autograph? So, on that day, you can feel that yes, you are a successful person. In the case where you guys are going to make your career as a banker, there is a possibility. Aaj kaun nahi chahta hoga Raghuram Rajan sir ka signature lena? Right? Who don't want to take the signature of Raghuram Rajan sir or Arundhati Bhattacharya ma'am? Personally, if I'll meet them someday, if I'll get the opportunity to meet them, I'll definitely ask them, sir, I need your autograph. तो आपके फील्ड में भी ये चीज है, ठीक है? सोनी जी, I'm perfectly fine. So, walk over it. Bankers are not less than nowadays the stars of Bollywood. और द स्टार्स ऑफ हॉलीवुड. बैंकर्स का भी जो रीच है, आप बोल सकते हो जो उनका स्टारडम है, बहुत ज्यादा है. सो द पीडीएफ ऑफ माया सेशंस विल बी अवेलेबल इन द टेलीग्राम ग्रुप कॉल्ड जीए जीनियस. यू गाइस कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द जीए जीनियस टेलीग्राम ग्रुप. होमवर्क के क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर वन वॉज फर्स्ट एस्टिमेट नेशनल इनकम वॉज प्रिपेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर. करेक्ट आंसर है 67-68 में प्रिपेयर हुआ था. एंड पर कैपिटल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज कैलकुलेटेड. प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय जब पहली बार कैलकुलेट की गई थी. सो 1% इनकम वॉज 20 rupees इन इंडिया. ठीक है. वॉट आर द मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम? सो नेशनल इनकम के मेजर्स होते हैं आपके जीडीपी, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, पर कैपिटल इनकम, डिस्पोजिबल इनकम. सो दीज ऑल आर द एनडीपी भी होता है, नेशनल एनडीपी. So NDP, GDP, then net domestic product. So basically total 6 हो जाएंगे आपके पास. तो 6 measures हैं for the national income. Third question था, who was the chairperson of committee of national income? 1949, the soon establishment of independent India, national income committee was prepared to compile the statistics estimation of national income in India. The committee was chaired by PC Mahal Novis, while Dr. D.R. Gadgil and V.K.N.V. Rao sir were the members. They were the members. So do not get confused. Answer will be PC Mahal Novis. ठीक है. Answers हमारे आए थे अतुल भाई के, प्रियंका जी, स्मिता, बर्मन जी, हर्षिनी, हर्षिता, मोहन, साई, अंजलि. काफी बच्चों ने किया था. मैं सबके इस बार पिक नहीं कर पाया था बिकॉज आई पिक्ड इट डे बिफोर यस्टरडे ओनली. कविता, रतिबा, कौशिक, उर्मिला, मधुरिमा, गौरव, गली, तौशिफ, आदित्य एंड हरिका. सो आप लोगों के आंसर्स के लिए थैंक यू. डेफिनेटली स्नेहा सृष्टि और बाकी बच्चों ने भी किया होगा आंसर. मैं स्किप नहीं कर रहा था, मैं मिस कर गया. ठीक है, आप लोगों के पिक करना कमेंट. सो डोंट टेक इट In another way. Sir, for SBI clerk means is paid TNA enough because I didn't attend the YT October. Yes, enough है. आकाश, उतना कर लो, काफी है. RBI assistant means के लिए किस मंथ से स्टार्ट करना चाहिए डेली करेंट अफेयर्स? थोड़ा सा वेट कर लो. मैं डेफिनेटली आपको वीडियो दूंगा, डिटेल्ड वीडियो ऑन द RBI assistant examination. ठीक है. कल के लिए होमवर्क के questions क्या है? What is the denomination of commercial paper in India? तो जो commercial paper उसका minimum denomination कितना होता है? Treasury bill issued by government of India, which type of security it is? किस तरीके का security, किस तरीके का bond होता है आपका treasury bill?
थर्ड है मनी लेंड फॉर मोर देन 1 डे बट लेस देन 15 डेज इन द मनी मार्केट इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर मनी मार्केट में पैसा लोन पर 1 दिन से ज्यादा और 15 दिन से कम के लिए दिया गया है तो उस पैसे को क्या कहा जाता है। सो मनी मार्केट इज अ मार्केट इन बिटवीन बैंक्स। ये याद रखिएगा, इंटर बैंक लेंडिंग मार्केट है, वेयर वन बैंक इज अ लेंडर अनदर बैंक इज अ बोरोवर। अभी बच्चों का एक कंफ्यूजन आया, वॉट इज दिस मेंटरशिप प्रोग्राम, ये क्या बम फोड़ दिया ऑलिव बोर्ड ने, इतना कॉस्टली। काफी बच्चों का मैसेज आया था मेरे पास पर्सनली, सर इतना कॉस्टली कैसे सर, हाउ सो कॉस्टली। तो काफी सारी चीजें हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी अपॉइंटेड, यू विल गेट वन पर्सनल मेंटर फॉर यू, सुपर मेंटर्स के फॉर्म में आपके रिटायर्ड बैंकर्स होंगे, दे विल कनेक्ट विथ यू, एक्स आईबीपीएस पैनल मेंबर्स विल कनेक्ट विथ यू। अच्छा, सबसे अच्छा बात है इसमें आपके इंटरव्यू बैचेस इंक्लूडेड है, 6 मॉक इंटरव्यूज हैं। सो इन अ ईयर यू कैन अटेंड द मॉक ऑफ एसबीआई, एसबीआई का आपका इंटरव्यू बैच आ गया, आईबीपीएस के आपके जो दो मेन इंटरव्यू बैच हैं, वन इज आईबीपीएस पीओ, वन इज आईबीपीएस आरआरबी पीओ, तो ये तीनों आपके इंटरव्यू बैच इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए जो सेपरेटली आप 2200 2200 2200 पे कर रहे थे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो एक्चुअली आपका इंटरव्यू अकेले से 6600 रुपीज का था। देन बुक्स आपकी इंक्लूडेड है इसमें, हार्ड कॉपी बुक्स इंक्लूडेड है, ऑल द लाइव क्लासेस ऑफ बैंकिंग 2000+ मॉक टेस्ट वो इंक्लूडेड है। एक डेडिकेटेड ग्रुप होगा फैकल्टी मेंबर्स का, वेयर यू विल गेट कनेक्टेड, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स विल बी देयर सो फॉर द डाउट क्लियरिंग। 100 सीट्स हैं, सो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी देयर इन दिस बैच। ये स्टार्ट हो रहा है सर आपका 24th of December से। आफ्टर यूजिंग कोड आदित्य इट विल बी कॉस्टिंग यू अराउंड 10,999। वैलिडिटी रहेगा इसका मार्च 2024 तक, नॉट 23, मार्च 2024। ऑल द बैचेस टेस्ट सीरीज एंड इंटरव्यूज विल बी इंक्लूडेड इन टू इट। ठीक है, आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू बैच की बात मैं अब जो एसबीआई पीओ का प्री है उसके बात करूंगा। तो आज की न्यूज पर चलते हैं, न्यूज नंबर 1। एचडीएफसी बैंक पार्टनर्ड विद स्टार्टअप इंडिया परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट। सो एचडीएफसी बैंक हैज लॉन्च्ड परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट अंडर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अंडर CSR बैंक वॉन्टेड टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो एचडीएफसी बैंक अनाउंस द 6th एनुअल ग्रांट प्रोग्राम फॉर द सोशल स्टार्टअप इन द पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया के साथ में कोलैबोरेट किया अभी रिसेंटली इन्होंने, सपोर्ट करने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया के उसमें। दिस प्रोग्राम इज नोन एज परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट, एम टू आइडेंटिफाई द स्टार्टअप वर्किंग इन द सोशल इंपैक्ट स्पेस, सपोर्टिंग दैम थ्रू द मनी ग्रांट टू देयर इंक्यूबेटर। सोशल इंपैक्ट का मीनिंग क्या होता है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इंपैक्ट, विच कैन पॉजिटिवली सपोर्टिंग टू द सोसाइटी। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे दू, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, इट इज ऑल्सो अ सोशल इंपैक्ट वर्क, और एनी अदर इनिशिएटिव विच कैन सपोर्ट द सोसाइटी, विच कैन इंपैक्ट द सोसाइटी पॉजिटिवली, दे ऑल विल कम अंडर सोशल इंपैक्ट एरिया। तो ये दो तीन पॉइंट यहां से बन रहे हैं। पहला तो विच बैंक रिसेंटली कोलोबरेटेड विद द स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के साथ में किस बैंक ने कोलोबरेट किया अभी रिसेंटली, एचडीएफसी बैंक हो गया। परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट इट इज लॉन्च्ड बाय विच बैंक, अगेन आंसर इज एचडीएफसी बैंक। तो इसके अंदर अब सोशल इंपैक्ट पर वर्क करने वाले जो आपके स्टार्टअप्स हैं इंडिया में उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एचडीएफसी। द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, दिस स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी इन द ईयर 2015, 2015 में लॉन्च हुआ था स्टार्टअप इंडिया, लॉ अनाउंस्ड बाय इन 2015 एंड 10th of January 2016 को लॉन्च हुआ, अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी इन 2015। नाउ द ग्रांट अंडर परिवर्तन विल बी प्रोवाइडेड, सो फार बैंक हैज अनाउंस 30 करोड़ रुपी टू
टू मोर देन 45 इंक्यूबेटर्स सपोर्टेड 165 स्टार्टअप्स वर्किंग इन एनवायरमेंट, एग्री बिजनेस, एड टेक, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर एक्सेट्रा. दिस ईयर बैंक फोकस विल बी ऑन बिल्डिंग द कैपेसिटीज ऑफ इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स इन टायर टू टायर थ्री सिटीज. तो इस साल बैंक जो है अभी तक 30 करोड़ रुपए ऑलरेडी बैंक इस इनिशिएटिव के अंदर इन्वेस्ट कर चुका है. इस साल बैंक का फोकस होगा टायर टू टायर थ्री सिटीज में जो स्टार्टअप्स हैं उन पर. सो द स्टार्टअप्स विच आर लोकेटेड इन टायर टू टायर थ्री सिटीज ऑन दैम बैंक विल बी फोकसिंग दिस ईयर अंडर दिस परिवर्तन इनिशिएटिव. चलिए आगे चले अगला न्यूज नेक्स्ट पॉइंट. विकास एक बार पिंग कर देना बेटा, मैं देखकर बता दूंगा आपको. ठीक है, क्या आप पूछ रहे हैं एक बार आरबीआई से रिलेटेड, मुझको पिंग कर देना, मैं आपको देखकर बता दूंगा. चलिए नेक्स्ट है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक कीप्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अनचेंज्ड एट 7%. एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज कैप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इंडिया फॉर अनचेंज्ड फॉर 7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड 7.2% फॉर 2023-24. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का जो जीडीपी रेट है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 7% रखा. देयर वाज नो चेंज रिसेंटली मेड बाय एडीबी. अभी रिसेंट में कोई चेंज नहीं किया, लाइक वर्ल्ड बैंक हैज इंक्रीज्ड इट, सो एडीबी डज नॉट मेड एनी चेंज. ऑल्सो द इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेड एट 6.7% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड 4.2% फॉर एशिया. एशिया विल एक्सपेंड एट 4.2% एक्सीलरेट टू 4.6% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. सो दीज आर द प्रिडिक्शंस और प्रोजेक्शंस गिवन बाय एडीबी फॉर द जीडीपी एज वेल एज फॉर द इन्फ्लेशन. तो जीडीपी 7% रखा है अकॉर्डिंग टू एडीबी एंड इन्फ्लेशन 6.7% होगा. एडीबी 1966 फॉर्म हुआ, मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर, मसाद सागुआसा कावासा प्रेसिडेंट, मिस्टर अशोक लवासा वीपी, तिकोई कोनेशी एडीबी कंट्री डायरेक्टर है एंड मिस्टर समीर कुमार खरे इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इनके 68. नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक इंक्रीजेस द जीडीपी रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 6.5% टू 6.9%. ऑलरेडी डिस्कस किया हमने पहले, बस रिवाइज करवाया मैंने अभी आपको. तो वर्ल्ड बैंक का 6.9, मूडी 7 है, S&P 7, IMF 6.8, ADB 7, RBI 7. RBI ने तो डिक्रीज कर दिया ना 6.8. ठीक, तो बाकी सारे सही हैं आपके. अपडेटेड लिस्ट आपको एग्जाम से पहले दे दूंगा, SBI PO मेंस से पहले, SBI PO मेंस से पहले दे दूंगा. ठीक, नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट आ जाओ, डील शेयर अपॉइंटेड कमलदीप सिंह एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिटेल बिजनेस इन इंडिया. मिस्टर कमलदीप सिंह अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिटेल बिजनेस ऑफ डील शेयर, दैट इज अ सोशल ई कॉमर्स कंपनी इन इंडिया. नथिंग रिक्वायर्ड मोर देन दिस गाइज. बाकी डेटा दे जरूर दिया मैंने आपको, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन इफ यू वॉन्ट टू कलेक्ट. इफ क्वेश्चन विल कम, इट विल कम फ्रॉम दिस पॉइंट. तो बस आपको ये वाला पॉइंट कवर करना है, आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा. नेक्स्ट, सिंडी हुक अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. सिंडी हुक हैज बीन अपॉइंटेड एज द इनॉग्रल सीईओ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर 2032 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक इन ब्रिस्बेन. बहुत साल पहले नहीं कर दिया अपॉइंट 32 के लिए, पर ठीक है, अच्छा एडवांस सोच रहे हैं. शी स्टेप डाउन अवे फ्रॉम द रोल ऑफ सीईओ ऑफ डेलॉयटे एशिया पैसिफिक अर्लियर दिस ईयर. सो प्रोफेशनली शी इज अ कंसल्टेंट बिजनेसमैन हु इज सपोर्टिंग टू मल्टीपल बिजनेस एंड वर्कड विद द कंसल्टेंसी फॉर्म डेलॉयटे ऑल्सो. शी वर्कड एज अ इंटरनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क इन US एंड ऑस्ट्रेलिया. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अवॉर्डेड 2032 will be conducted in Brisbane in July. In July, last year they have announced that it will be conducted in Brisbane. आगे आ जाओ.
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में फॉर्म हुआ, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड है, 104 एक्टिव मेंबर्स हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है इनका फ्रेंच इंग्लिश एंड थॉमस बक इज द प्रेसिडेंट। तो करंट में प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बक इज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है एम्स दिल्ली कैंपस। पहले तो एम्स की बात आ रही है, तो डॉक्टर एम श्रीनिवास सर रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली, राइट। नाउ बैक टू द न्यूज, एम्स दिल्ली कैंपस डिक्लेयर्ड टोबैको फ्री जोन रिसेंटली। सो इन न्यू दिल्ली इट हैज बीन डिक्लेयर्ड टोबैको फ्री जोन, मतलब कि स्टा वगैरह नहीं चलेगा। इंफॉर्मेशन इन द रिगार्ड हैव बीन गिवन थ्रू द ऑफिशियल मेमोरेंडम इश्यूज बाय डॉक्टर एम श्रीनिवास डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। एम्स वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1956 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अदर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, ऋषिकेश, भोपाल, न्यूली बिल्ट है आपका एम्स नागपुर। ठीक है, सर्वर हैक हो गया था, बिल्कुल सही बात है, थोड़े दिन पहले हो गया था हैक, करेक्ट। न्यूजीलैंड ने भी अनाउंस कर दिया है, बिल्कुल सही है, अच्छा न्यूज है, प्रियंका ने रिवाइज करवाया। न्यूजीलैंड हैज ऑल्सो अनाउंस्ड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन द स्मोकिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो न्यू जनरेशन के लिए स्मोकिंग बैन करने वाला पहला कंट्री जो है वो न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है एट एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन भोपाल मध्य प्रदेश। सो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी कंडक्टेड इन भोपाल इन जनवरी 2023। अच्छा वो कहां पर होगा भाई? आपका प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस विल बी सेलिब्रेटेड इन विच सिटी, उसका बताइएगा। जनवरी में ही कंडक्ट होने वाला है आपका वो भी। एंड इंसिडेंटली वन मोर मेजर इवेंट टू बी हेल्ड आफ्टर इंडिया टुक द प्रेसिडेंसी इन G20 2020। हाँ, इंदौर। सो प्रवासी भारतीय दिवस इट विल बी कंडक्टेड इन इंदौर मध्य प्रदेश। तो इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी इन भोपाल, प्रवासी भारतीय दिवस विल बी इन इंदौर। तो ये इंदौर में रहेगा। यस, 9th of January डेट होता है, 9th Jan 2022। ठीक, सो दिस इज द 8th edition। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दिस इज द 8th edition ऑफ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विच विल बी कंडक्टेड इन 2022 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। 2015 फर्स्ट इवेंट वॉज कंडक्टेड। अभी पहले इवेंट कहां पर हुए थे आपके? फर्स्ट सेकेंड इवेंट वॉज कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली, थर्ड इवेंट वॉज इन चेन्नई, फोर्थ इवेंट वॉज इन लखनऊ, फिफ्थ इवेंट कोलकाता, सिक्स्थ इवेंट वॉज वर्चुअल मोड बिकॉज ऑफ कोविड, सेवंथ इवेंट वॉज इन गोवा, सेवंथ इवेंट और द लास्ट इवेंट वॉज इन गोवा, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिक्स्थ वाला वर्चुअल हो गया, सेवंथ आपका गोवा में था, एंड एट्थ विल बी कंडक्टेड नाउ इन भोपाल। ठीक है, ये हो गया आपके पास इवेंट। चलो आगे चले, अटल इनोवेशन मिशन एंड यूएनडीपी इंडिया, यूएनडीपी इंडिया लॉन्चेस 5th edition ऑफ यूथ कोलैब फॉर द यूथ एंटरप्रेन्योर्स। देखो एंटरप्रेन्योरशिप पर सबका फोकस है, that instead of providing jobs in the market or creating more jobs in the market, we can create business. We are creating business, it is boosting economy, it is boosting the tax collection of government, and indirectly each and every business will, directly, indirectly, in both case, each and every business will provide job in the market, will increase the business opportunities for others in the market. So business ke upar zyada focus hai. अटल इनोवेशन मिशन 5th edition ऑफ यूथ कोलैब, एशिया पैसिफिक लार्जेस्ट यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव दैट इज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड यूएनडीपी इन 2022। तो 15th ऑफ दिसंबर 2022 को इन्होंने लॉन्च किया है। द एप्लीकेशन दिस ईयर इज द एडिशन लॉन्च्ड बाय चिंतन वैष्णव सर, मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, एंड डेनिस कैरी डिप्यूटी रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएनडीपी इन इंडिया। तो यूएनडीपी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया मिस्टर डेनिस
एंड चिंतन वैष्णव बोथ कंबाइंडली लॉन्च दिस प्रोजेक्ट। मोटिव क्या है? मोटिव इज इंक्रीजिंग। इनिशिएटिव का मोटिव क्या है? द इनिशिएटिव वाज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय 2019, इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 बाय यूएनडीपी इन कोलैबोरेशन विद अटल इनोवेशन मिशन, एम टू एस्टेब्लिश कॉमन एजेंडा फॉर एशिया पैसिफिक कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन एम्पावर यूथ, एसिलरेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंप्लीमेंट करना थ्रू लीडरशिप, सोशल इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर, ये सब एग्जाम में आता नहीं है। वैसे आगे की गारंटी नहीं ले सकता हूं, वैसे नहीं आता है, कम चांसेस होते हैं। मेनली डेटा फोकस्ड एग्जाम्स हैं हमारी, राइट? इंटरव्यू होते हैं कॉन्सेप्ट फोकस्ड, रिटन एग्जाम होता है डेटा फोकस्ड। सो दे विल बी आस्किंग मोर डेटा दैट दिस इनिशिएटिव वॉज साइंड इन विच ईयर, साइंड बाय अटल इनोवेशन मिशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे आपके रिटन एग्जाम पर होते हैं। इंटरव्यू में वो कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, वाई दिस इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड। तो ये बड़ा डिफरेंस मूव करना पड़ता है विद इन 10 डेज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग आफ्टर मेंस एग्जामिनेशन फॉर द इंटरव्यू। राजीव चंद्रशेखर अटेंड इंडिया ग्लोबल फोरम एट दुबई। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर राजीव चंद्रशेखर अटेंडेड इंडिया ग्लोबल फोरम एट दुबई 13 to 15 of December 2022। ही अटेंडेड मिनिस्ट्रल राउंड टेबल ग्लोबलाइजेशन फॉर एडटेक इनोवेशन। हमारे लिए काम का ये फ्रॉम इंडिया साइड हु हैज रिप्रेजेंटेड इन इंडिया ग्लोबल फोरम, इन इंडिया ग्लोबल फोरम एट दुबई। और इंडिया ग्लोबल फोरम वॉज कंडक्टेड एट विच विच कंट्री और विच सिटी इन दीज ऑफ द फॉलोइंग आंसर विल बी दुबई। राजीव चंद्रशेखर हैज पार्टिसिपेटेड इन टू इट। नेक्स्ट है फ्रांस होस्ट कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विथ यूक्रेनियन पीपल। सो स्टैंडिंग विथ यूक्रेनियन पीपल समिट वॉज होस्टेड बाय फ्रांस। सो इट वॉज अ समिट वेयर फ्रांस हैज इन्वाइटेड टू ऑल द कंट्रीज विच आर इन द सपोर्ट ऑफ यूक्रेन, जो अगेंस्ट रशिया यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं कंट्रीज, उन सबको फ्रांस ने इसमें इन्वाइट किया था। समिट वॉज नेम्ड वेरी ऑब्वियस स्टैंडिंग विथ द यूक्रेनियन पीपल। 13 दिसंबर को कंडक्ट हुआ टू कोऑर्डिनेट द इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर द सिविलियन रेजिलियंस इन यूक्रेन एंड एड्रेस द यूक्रेनियन पीपल अर्जेंट ह्यूमेटेरियन नीड्स। तो उनके जो नीड्स हैं, जो इंसानियत के नाते एक कंट्री को दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, दैट कैन बी प्रोवाइडेड। सो फॉर दिस रशिया, फॉर दिस फ्रांस रिसेंटली कंडक्टेड द समिट। तो अभी इन्होंने रिसेंटली समिट कंडक्ट किया। इट वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाय जेलेंस्की, व्लामदिर जेलेंस्की इन अ वर्चुअल मोड। तो वर्चुअली जेलेंस्की ने भी इसको अटेंड किया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन, इंडिया फिनलैंड साइन जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबाइलिटी। अभी माइग्रेशन मोबाइलिटी क्या होता है, थोड़े दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था इसी टाइप के पॉइंट को। दे हैव एग्रीड टू साइन ओवर इट। सो इंडिया फिनलैंड एग्रीड फ्यू डेज बिफोर दैट द पीपल ऑफ इंडिया व्हेन दे विल विजिट फिनलैंड फॉर स्टडी पर्पस, फॉर रिसर्च पर्पस, फॉर टूरिज्म पर्पस, दे विल गेट वीजा, दे विल गेट द परमिशन इजिली। सिमिलरली व्हेन द फिनलैंड पीपल विल कम टू इंडिया फॉर एजुकेशन पर्पस, नहीं एजुकेशन वहां ठीक होगा, फॉर टूरिज्म पर्पस, सो दे कैन गेट द वीजा एंड सपोर्ट इजिली। तो इसी के ऊपर अभी रिसेंटली साइन हुआ है। इट वॉज साइंड बाय वी मुरलीधरन, एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड तुतुला हताइन मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिनलैंड। तो इनके बीच में ये साइन हुआ है एग्रीमेंट अभी रिसेंटली। अगला पॉइंट, तो फिनलैंड इंडिया एग्रीमेंट याद रखना, ठीक है? एनाबेल जर्मनी है, जर्मनी में भी एनाबेल के साथ हुआ था, तो फिनलैंड और के साथ अभी रिसेंटली साइन हुआ है, ठीक? चलो आगे चले। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर। वो नरेंद्र वर्ड आता है तो मोदी जी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक? गलती हो गई, सॉरी। नरेंद्र सिंह तोमर चेयर 32nd मीटिंग ऑफ एनएचबी रिसेंटली। अभी एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक वाला एनएचबी नहीं है सर, इट इज नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है नरेंद्र सिंह तोमर।
32nd edition of meeting was conducted on 14th of December under the chairmanship of Union Minister of Agriculture, Mr. Narendra Singh Tomar. It was decided that the meeting that approved the horticulture project would simplify the farmers. तो हॉर्टिकल्चर मीटिंग में ये कोशिश की गई कि जो फार्मर्स हैं उनकी समस्याओं को सुलझाया जा सके, नए इनिशिएटिव इंप्लीमेंट करने में हेल्प की जा सके. द प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड इन टू फेजेस. दो फेज में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है. दैट विल बी कंप्लीटली डिजिटल एज वेल एज विद द मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नॉट टू फेस एनी टाइप ऑफ ट्रबल. सो the farmers, those who wanted to apply for this project, they can apply it completely digitally. And the new sample design will come in effect from 1st of January 2023. The meeting also discussed about Swachh Plant Program. Swachh Plant Program ke baare mein bhi inhone discuss kiya hua hai. Under this, planting materials, matlab ki बागवानी बोल सकते हो आप, कि बागवानी का बिजनेस अगर किसान स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लांटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन बोरो द लोन बिकॉज एडीबी हैज प्रोवाइडेड द असिस्टेंस ऑफ 2,100 करोड़ रुपी. ओवर इट हैज अनाउंस टू प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ 2,100 करोड़ रुपी और 2,100 करोड़ रुपी फॉर प्रोवाइडिंग द प्लांटिंग मटीरियल टू इंडिया अंडर स्वच्छ प्लांट इनिशिएटिव और प्रोग्राम. नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1984 में फॉर्म हुआ था. ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. अच्छा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट केम इन विच ईयर? आंसर बता सकते हो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था आपका? हॉर्टिकल्चर बोर्ड हेडक्वार्टर लोकेटेड इन गुरुग्राम, ये अच्छे से याद रखिएगा. न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन गुरुग्राम. तो गुरुग्राम इनका हेडक्वार्टर है. किसका? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का. हाँ भाई, Societies Act came in which year? It came in the year 1860. 1860 में आया था. नहीं, 1860 correct है. G7 approved 15.5 billion US dollar deal with Vietnam. तो G7 countries जो है, already हम discuss कई बार कर चुके हैं. गुरु जी एफ सी आई, यहां से आर को करो सस्पेंड. नाउ सिक्स, नाउ दिस रिमेनिंग सेवन इज G7. जर्मनी, यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, कनाडा, इटली. सो दे रिसेंटली अप्रूव्ड 1.5 बिलियन यूएस डॉलर डील विद वियतनाम. तो G7, नॉर्वे, डेनमार्क, रिच इंडस्ट्रियल नेशंस हैव अप्रूव्ड द डील ऑफ 15.5 बिलियन यूएस डॉलर डील विद वियतनाम to help South Asian nations move faster with the coal power to renewable energy, cutting the climate damaging pollution. So move karna hai, move karne ke liye, so these countries can move from the coal, the use of coal to the renewable sources. For that 15.5 billion US dollar support has been announced to the Vietnam. The grant will help Vietnam to reduce the emission of CO2 to net zero by the year 2050 में ही हो जाएगा भी अभी इतना ऐसे तो ठीक है. ओके, 48th जर्मनी में कंडक्ट हुआ था. टोक्यो मेक्स सोलर पावर मैंडेटरी फॉर न्यू होम्स built after 2025, that every home should have solar power. So the dependency over the traditional sources of electricity will decrease with the time. So Tokyo local assembly passed a new regulation which says that all the new houses which will be built after April 2025 must install solar power panel to cut the house carbon emission. Japan stand fifth spot in the world with the largest carbon emitters. अभी जापान जो है वो पांचवें सबसे बड़े कार्बन इमीटर्स में है वर्ल्ड के. Mandate to require 50 major builders to equip the homes at 2000 square feet with the renewable energy sources, mainly solar panel. Next, Peru government announced nationwide emergency amid fiery protest. So because of the huge protest in the Peru,
दे हैव अनाउंस द नेशनल इमरजेंसी. एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, रिसेंटली इन विच कंट्री बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट नेशनल इमरजेंसी हैज बीन अनाउंस्ड. तो सिंपल न्यूज के फॉर्म में ही कवर करेंगे. पेरू है, डिफेंस मिनिस्टर रिमूव्ड प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो फ्रॉम द ऑफिस ऑन 7th of December, इम्पीचिंग हिम ड्यू टू विच द प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री. सो पॉलिटिकल टर्मोइल में चल रहा है कंट्री, मतलब कि राजनीतिक समस्याओं से घिरा हुआ देश है अभी करेंट की डेट में. एंड पीपल एक्चुअली डिमांडिंग द जनरल इलेक्शन टू बी कंडक्टेड, कि भाई इलेक्शन करवाओ और तानाशाही ना करो. सो बिकॉज ऑफ दैट द प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन इन द पेरू एट प्रेजेंट. पेरू इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका आफ्टर ब्राजील एंड अर्जेंटीना. प्रेसिडेंट दीना लीमा इज द कैपिटल, सोल इज द करेंसी, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है पेरू. नेक्स्ट है यूके, फ्रांस एंड यूएई सपोर्टेड इंडिया फॉर द परमानेंट मेंबरशिप एट यूएनएससी. अब समझते हैं यूएनएससी फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन. इन यूएनओ ऑल्सो देर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. You can say that it is the most powerful political organization of the world. Now in UNSC, the structure is, there are mainly 15 member, 15 leaders in UNSC. UNSC mein mainly 15 leaders hote hain. Out of 15, 5 are permanent, 10 are nominated. So 5 hote hain permanent, 10 hote hain nominated. 5 permanent members are China, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस. दीज आर कॉल्ड P5, परमानेंट 5. नाउ इंडिया इज करेंटली नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 years, विच इज गेटिंग एक्सपायर इन दिसंबर. तो अभी इंडिया करेंट में तो नॉन परमानेंट मेंबर है, दिसंबर में टेनरशिप खत्म हो रहा है. सो इंडिया पुट द डिमांड दैट आई वॉन्ट द परमानेंट मेंबरशिप, बिकॉज After 1952 or 53, I think they have not increased the permanent membership. And you will get surprised. China was nominated by India for the permanent membership of UNSC. And they got the membership, permanent membership. And today, China is always using the veto whenever India is there in the election for the permanent membership. Kyunki dekho yaar, 5 hai. 5 mein se agar 4 ne support mein vote kiya, and even 1 is against the vote or against India, so that will be called the use of veto. So finally that such type of bill will also lapse. So veto ka power ye hai that all 5 should be in support. Majority kaam nahi karta, all 5, 100% 5 members should be in support, then only that resolution will pass. So whenever this resolution of India will get the permanent membership, this resolution was presented. So every time Russia was in support, Russia ne har bar support kiya India ka. Few time France was also in support, even US supported India. So US, Russia, France, they supported India. China was always in the means opposite side. So China hamesha opposite side mein hi raha hai. तो ये अभी के पॉइंट हैं. रिसेंटली फ्रांस, यूके, यूएई, दे सपोर्टेड इंडिया, इन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया फॉर द परमानेंट मेंबरशिप. हेडक्वार्टर इनका कहां पर है, न्यूयॉर्क में लोकेटेड है. तो यहां पर कुछ पॉइंट्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है, परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर, 1945 में ये बना था. आगे चलते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब ज्वाइंट Startup Hub joined Google to train 100 startups under App Scale program in 2023. App Scale program was the program launched by Google, not the first time. This App Scale wala concept we are discussing at least for the 5th or 6th time. Previously also multiple times we had a discussion over App Scale Academy. So it was launched by Google. 100 startups will get the training under it in 2023, and Ministry of Electronics and Information Technology has collaborated with Google for this purpose. So they will launch a multi-city roadshow aiming to encourage 1,000 startups in the cities such as
सूरत, इंदौर, कोयंबटूर, गैंगटोक, जयपुर, सो दे कैन कोलाबरेट विद द गूगल फॉर गेटिंग द ट्रेनिंग टू बूस्ट देयर बिजनेस. बेसिकली जो है डिजिटली कैसे वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज वॉट द गूगल इज गोइंग टू टीच दैम. मेघालय अवॉर्डेड विद टीबी कंट्रोल प्रोग्राम. मेघालय गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट द ट्यूबर क्लोसिस एंड रिसेंटली अवॉर्डेड बेस्ट प्रैक्टिस इन कंट्रोलिंग द डिसीज विद इफेक्ट फ्रॉम 2.6 पीपल मिलियन पीपल एवरी ईयर. तो 2.6 मिलियन इंडियंस जो हैं उनको टीबी से इम्पैक्ट पड़ता है हर साल. एंड रिसेंटली मेघालय हैज अवॉर्डेड फॉर देयर बेस्ट प्रैक्टिस, ट्राइंग टू बी बेस्ट प्रैक्टिस इन दिस कैटेगरी. नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ टीबी बाय द ईयर 2025. तो 2025 टारगेट रखा है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ टीबी इन इंडिया. मेघालय रिलेटेड पॉइंट्स हैं गाइज आपके पास, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, इनको आप एक बार कवर कर लीजिएगा. नेक्स्ट न्यूज पर आ रहा हूं. एयरबीएनबी साइंड. एयरबीएनबी का नाम सबने सुना है. आर यू अवेयर अबाउट विच टाइप ऑफ कंपनी इट इज? ये आपको होटल्स ऑफर करते हैं, टूरिज्म पैकेज ऑफर करते हैं. सो व्हेन यू वांटेड टू ट्रेवल, इफ यू वांट टू गिव सम ऑफ योर प्रॉपर्टी ऑन रेंट, आपको एज अ रिसॉर्ट रन करना है, देन ऑल्सो एयरबीएनबी विल हेल्प यू. सो दिस इज वॉट एयरबीएनबी इज. साइंड एमओयू विद द गोवा गवर्नमेंट टू प्रमोट द टूरिज्म इन द स्टेट. सो एमओयू साइन किया है अभी गोवा गवर्नमेंट के साथ में टू प्रमोट द पोटेंशियल डेस्टिनेशन, टू मेक गोवा एज अ पोटेंशियल टूरिज्म डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड. एयरबीएनबी इज अ अमेरिकन कंपनी विच स्टैंड्स फॉर एयर बैड एंड ब्रेकफास्ट. फुल फॉर्म है इसका एयर बैड एंड ब्रेकफास्ट. बेसिकली कंपनी जो है ये रेंट आउट करने में आपको हेल्प करती है आपके होम्स टू द टूरिस्ट. ठीक, आगे आ जाओ. नेक्स्ट है इंडियाज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल बेनिहाल कटरा रेल लिंक कंप्लीटेड. सो नाउ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया लेंथ इज 12.89 किलोमीटर. इट हैज बीन बिल्ड ओवर 111 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन बेनिहाल कटरा रेलवे लाइन ऑफ जम्मू कश्मीर दैट इज कंप्लीटेड ऑन 15th ऑफ दिसंबर. तो ये आपका सबसे लंबा ट्रेन वाला जो टनल है वो आपका रेडी हो गया. इट इज अ रेल टनल 12.89 किलोमीटर. नाम होगा इसका बेनिहाल कटरा रेल लिंक बेनिहाल कटरा. ठीक है. द लॉन्गेस्ट टनल विल बी द पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामुला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट एंड बेनिहाल कटरा रूल विल फॉलो 12.75 किलोमीटर टनल T49 द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडियन रेलवे दैट वॉज कंप्लीटेड दिस ईयर इन जनवरी बट नाउ द लॉन्गेस्ट टनल विल बी 12.89 किलोमीटर. तो ये अब आपकी सबसे ज्यादा लंबी टनल होगी. ठीक, आगे आ जाओ. अगला पॉइंट देखते हैं. तो 9.2 किलोमीटर चेनानी नाशरी टनल. इट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट टनल. इट्स नेम हैज बीन रीनेम्ड ऑन द नेम ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल. तो 9.2 किलोमीटर की चेनानी नाशरी टनल है. इट वॉज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ अ टाइम एंड नाउ दिस टनल नोन एज चेनानी नाशरी टनल नाउ नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल. एक और टनल आपकी न्यूज में है अटल टनल. अटल. सो अटल टनल इज द लॉन्गेस्ट टनल एट द हाइट ऑफ 3000 मीटर. तो 3000 मीटर की हाइट पर ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है, हाईवे टनल. एंड 9.02 किलोमीटर इसका लेंथ है. सो वॉट इज द लेंथ ऑफ अटल टनल? 9.02 किलोमीटर. एट द हाइट ऑफ 3000 मीटर इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लिए. ठीक. यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन साइंड गे मैरिज लेजिस्लेशन रिसेंटली. सो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन साइंड मैरिज लॉ दैट इज गे मैरिज लॉ ऑन द ओकेशन. प्रेसिडेंट सेड दैट लॉ दैट प्रोटेक्ट द लव स्ट्राइक अकॉर्ड अगेंस्ट हेट इन द फॉर्म. सो इट विल इंप्लीमेंट द सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज इन द कंट्री. एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पासेस द लॉ ऑन 8th ऑफ दिसंबर इन द सपोर्ट ऑफ दिस गे मैरिज, सेम सेक्स मैरिज. द न्यू लॉ ऑफिशियली रिपील द मैरिज एक्ट ऑफ 1996 विच डिफाइन द मैरिज बिटवीन मैन एंड वुमेन. तो पहले का लॉ बोलता था कि शादी महिला और पुरुष के बीच में ही हो सकती है, बट नाउ इन यूएस द लॉ सेज
दैट द सेम सेक्स मैरिज कैन बी डन. सो इन 2015 यूएस सुप्रीम कोर्ट इन इस डिसीजन लीगलाइज द सेम सेक्स यूनियन नेशन वाइड. तो उन्होंने बोला था कि भाई पूरे देश में जो है सेम सेक्स मैरिज अलाउ होंगे. इन अगर इंडिया की बात करें, सो इन इंडिया ऑल्सो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लिबर्टी बोलते हैं जिसको, इट इज प्रोवाइडिंग अंडर अ फंडामेंटल राइट सेम सेक्स जो है अभी अगर करेंट की बात करें, सेम सेक्स मैरिज इज नॉट लीगलाइज इन इंडिया. तो फर्स्ट लॉ प्रोवाइडेड मैरिज इक्वेलिटी बिटवीन द सेम सेक्स ऑपोजिट सेक्स इन नीदरलैंड इन 2022. तो काफी सारी जगह पर ये ऑलरेडी हो चुका है. सो राइट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ आर्ट अंडर आर्टिकल 21. तो ये देख लेंगे, एक बार इंडिया का लॉ मैं और अच्छे से चेक करके बताऊंगा आप. ठीक है. सेंटर अवॉर्डेड 9 GI tags. सेंटर अवॉर्डेड 9 GI tags टू टेक 32 टू टेक द टोटल नंबर ऑफ काउंट टू 432. तो अभी इंडिया के टोटल GI tags काउंट जो है, टोटल GI tag काउंट जो है, ये आपके कितने हो गए, 432 हो गए. सो नाउ देयर आर 432 काउंट्स आर देयर, GI tags आर देयर. मैक्सिमम GI tag है आपके कहां पर, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला. तो ये आपके मैक्सिमम GI tag वाले एरियाज हैं. ठीक. अभी GI tag रिलेटेड कुछ और न्यूज है आपके, दैट इज बैपोर उरू इज दिस बोट नेम इज बैपोर उरू. इट इज अ बोट ऑफ केरला. सो केरला अप्लाइड GI tag फॉर द फेमस बैपोर उरू बोट, द वुडन शिप सेलिंग बोट हैंडीक्राफ्ट बाय द स्किल्ड आर्टिशियंस कारपेंटर्स इन बैपोर केरला. तो इसके लिए भी GI tag अप्लाई किया है भी रिसेंटली, 10 years के लिए वैलिड होता है. करेक्ट है. तो रिसेंटली बैपोर उरू, what is this? It is a ship for this. Kerala has applied for the GI tag. अभी केरला ने अप्लाई किया GI tag के लिए. ठीक है. सो गमोसा फ्रॉम आसाम, तंदूर रेड ग्राम फ्रॉम तेलंगाना, रट्सके का दैट इज एप्रीकोट फ्रॉम लद्दाख, अलीबाग व्हाइट अनियन फ्रॉम महाराष्ट्र, ऑल दीज हैव बीन गिवन द GI tag रिसेंटली. नाउ द टोटल नंबर ऑफ टैग्स अंदर GI tag काउंट इज 432. आसाम गमोचा, दिस टाइप ऑफ गमोचा, इन हिंदी गमछा और भी बोल देते हैं घर पे, राइट. इट्स एक्चुअली अ नैपकिन और टॉवल, यू कैन से दैट. सो गमोचा सिंबल ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ आसाम हैज रिसीव्ड द GI tag फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट 5 years आफ्टर एप्लीकेशन मेड. GI tag हैज रजिस्टर्ड इन द फेवर ऑफ डायरेक्टोरेट हैंडलूम टेक्सटाइल फॉर द आसाम गवर्नमेंट एंड GI tag. That is goods and registration and production tax of act of 1999. Tax ज़्यादा बोलने लगा हूँ, तो tax नहीं है, act है. So act of 1999. So GI tag act came in the year 1999. अभी आसाम के गमोचा को ये GI tag दिया गया है. गमोचा mean for the exchange बिहू festival. तो बिहू festival के बीच में जो गमोचा है उसको exchange भी किया जाता है. इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कास्किंद 2022 वाज स्टार्टेड इन उमरोई मेघालय. तो कास्किंद 2022 कंडक्टेड इन मेघालय. इट इज अ डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान. अगला देखो, सूर्य किरण 16 डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. इट इज कंडक्टेड इन नेपाल. तो 16th एडिशन ऑफ सूर्य किरण डिफेंस एक्सरसाइज नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में कंडक्ट हो रहा है नेपाल में 16 to 29 December 2022. तो सूर्य किरण डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. ठीक. कल का सेशन नहीं हुआ था. GI tag इंडिया के लिए दिए जाते हैं ना, ज्योग्राफिकल टैग बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करता है. ठीक है.
यूएन का प्रोजेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैलिड करती है। कल का सेशन नहीं हुआ था बेटा 16th का, आज ही कवर किए हैं, दैट इज व्हाई सो मेनी न्यूज वी हैव डिस्कस्ड इन लेस टाइम। एमसीक्यूज नहीं किया आज हमने, तब भी इतने सारे न्यूज थे, अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, एक दिन मिस कर दो बहुत सारे न्यूज हो जाते हैं। यूएन रैंक नमामि गंगे प्रोजेक्ट इन द टॉप 10 इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड। सो नमामि गंगे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर जी अशोक कुमार ऑन 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी मॉन्ट्रियल कैनेडा अटेंडेड ऑन 14th of December 2022। देयर नमामि गंगे प्रोजेक्ट हैज बीन अनाउंस्ड एट द टॉप 10 इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड। जून 2014 में लॉन्च हुआ था आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट, रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1860। ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में इसको इंप्लीमेंट किया गया है। चलिए और भी ऐसे न्यूज काफी सारे हैं। अग्नि 5 मिसाइल का भी रिसेंटली परीक्षण किया गया है। सो 15th of December अग्नि 5 न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटी हैज बीन टेस्टेड जस्ट आफ्टर अ डे व्हेन इंडिया एंड चाइना हैव सम डिस्ट्रेस इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। तो इंडिया चाइना बॉर्डर पर क्लैशेस डिस्ट्रेस चल ही रहा है ट्रूप्स इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन अरुणाचल प्रदेश तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट इज नॉट फ्रॉम दिस टाइम, फ्रॉम 1952 ऑनवर्ड्स इंडिया एंड चाइना और यू कैन से दैट चाइना हैव इशू विद तवांग। चाइना को तवांग चाहिए तब से, बट इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज वेल इनफ to protect their area, so no need to worry about it. तो 15th of December को इंडिया ने न्यूक्लियर अग्नि 5 का परीक्षण किया है। एंड अगर मैं रेंजेस की बात करूं अग्नि 5 की, तो हियर यू हैव अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अग्नि 5 का 5000 किलोमीटर तक का रेंज है। इट इज अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो लॉन्गेस्ट सीरीज है अग्नि का, 5000 किलोमीटर का इसका रेंज है। ठीक, चलो भाई आज के लिए सेशन में इतना ही, ऑलमोस्ट टाइम आपका ओवर हो गया। बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर एसबीआई पीयू प्री। राइड योर एग्जाम कॉन्फिडेंटली, फोकस रखना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर, बट एक्यूरेसी मेंटेन करना, बिकॉज इन एसबीआई एग्जामिनेशन एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड देन कंप्लीट योर प्री एग्जामिनेशन सो वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस टुगेदर। तो हम साथ में मिलकर मेंस की तैयारी करें फिर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आई विल बी मीटिंग यू गाइस बैक ऑन मंडे मॉर्निंग इन टीएनए। टिल दैट टाइम गाइस कीप वॉचिंग ऑली बोर्ड। जय हिंद।